अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एन एम डी कैट बिगल सोर्स में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आज जो 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 टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही है उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियो फेज बैक्टीरियो फेज की लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे लिखा है कि बैक्टीरियो फेज या फेजिस के पास दो तरह की लाइफ साइकिल्स है एक तो लाइटिक साइकिल है और एक तो लाइजोजैनिक साइकिल है यानी बैक्टीरियो फेज की लाइफ साइकिल दो, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइजोजैनिक साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियो फेज कंप्राइजेस टू मेन स्टेप्स जिस तरह दो साइकिल्स हैं इसी तरह दो मेन स्टेप्स भी हैं एक तो इन्फेक्शन प्रोसेस है और एक रेप्लीकेशन प्रोसेस है यानी दो मेन स्टेप्स हैं इन्फेक्शन प्रोसेस फर्दर तीन स्टेप्स में डिवाइड है और दूसरा प्रोसेस जो है वो रेप्लीकेशन बैक्टीरियो फेज का है ठीक है

प्रोसेस इज एब्सॉर्बेशन अटैचमेंट ऑफ फेज टू बैक्टीरियल सेल यानी अटैच होगा फेज बैक्टीरियल सेल के साथ स्टेप इज मेडिड बाय टेल स्पाइक्स इस अटैच होने में फेज को बैक्टीरियल सेल के साथ होने में कौन मदद करेगा टेल फाइबर्स या टेल पिन स्पाइक्स फेज अटैच स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द बैक्टीरियल सेल फेज किसके साथ अटैच होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है बैक्टीरियल सेल पर पे न्यूट्रिशन के बारे में लिखा हुआ है द बाइंडिंग ऑफ द फेज दो बैक्टीरियम रिजल्ट इन द कॉन्ट्रक्शन ऑफ द शीट ऑफ द टेल लिखा जा रहा है कि जब फेज बैक्टीरियम के साथ बाइंड होता है तो टेल की जो शीट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती है और टेल कौन सा इंजाइम रिलीज करता है लाइजोजोमल इंजाइम रिलीज कर देता है टेल जो इंजाइम रिलीज करेगा उसे हम कहेंगे लाइजोजोमल इन्जाइम देन आपके पास लिखा है कि मिलाइजोमर इमजाइन क्या करेगा बैक्टीरियल इन्वेल्प के पोर्शन को डाइजेस्ट कर देगा बैक्टीरियल इन बैक्टीरियल इन्वेल्प का दूसरा नाम बैक्टीरियल सेल वॉल भी कह सकते हैं ठीक है या बैक्टीरियल इन्वेल्प या बैक्टीरियल सेल वॉल के पोर्शन को डाइजेस्ट कर देगा और एज अ रिजल्ट होलो को ट्यूब इज पुश थ्रू द बैक्टीरियल इन्वेल्प एंड बैक्टीरियल सेल इन्वेल मेम्ब्रेन ठीक है होलो कोट्यूब जो होगी वो बैक्टीरियल इन्वेल्प और बैक्टीरियल सेल इन्वेल्प बैक्टीरियल इन्वेल्प या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के जरिए से सेल में उसको पेनिट्रेट कर दिया जाएगा उसे कहा था इन्जर्शन ऑफ कोट ट्यूब इस न होना पेन्यूट्रेशन कोर ट्यूब को इंजर्ट करवाना उसको हम क्या कहते हैं पेन्यूट्रेशन कहते हैं यानी किसी चीज के अंदर चीर के जाना जैसे कोई चीज किसी के अंदर चीर के डाली जाती है वहां इसको हम पेन्यूट्रेशन कहते हैं जिनोम का इंजेक्शन नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है जिनोम इंजेक्शन लिखा गया पेन्यूट्रेशन ऑफ कोर रिजल्ट्स इन द इंजेक्शन ऑफ वायरल यानी कोर के अंदर चीर के जाने के रिजल्ट में क्या रिजल्ट निकलता है हमारे पास कि वायरल डीएनए को इंजेक्ट करवाया जाता है इनटू द सेल लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे सिरिंज के जरिए से आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन डाली जाती है इसी तरह आपकी बॉडी में वायरल डी इंजेक्ट कराया जाता है वेयर द रिमेंडर ऑफ द फेज रिमेन आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियम बाकी जो बचा हुआ फेज है वो बैक्टीरियम के आउटसाइड पे ही रहता है लिखा हुआ कि प्रोटीन कोट विच फॉर्म्स अ फेज हेड एंड टेल ऑफ द वायरस रिमेन्स आउटसाइड ये रिमेंडर किस चीज़ की बात की जा रही है रिमेंडर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं रिमाइंडर में आपके पास प्रोटीन का कोट आ जाता है आपके पास जो फेज है, हैड और टेल को बनाता है वो आउटसाइड रहता है ये रिमाइंडर उसकी बात की जा रही है लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ एनिमल सेल्स में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा वायरस ही होस्ट सेल में एंटर हो जाता है यानी वहाँ पर फेज भी बायर नहीं रहता है यहाँ यानी वहाँ पे जो होता है वो आपका प्रोटीन कोड भी बाहर नहीं रहता है। जिसने हेड टेल बनाना तो वो भी बाहर नहीं रहता वो भी स्मेथ पूरा एंटर हो जाता है कुछ एनिमल सेल्स में पूरा का पूरा वायरस एंटर होता है और कुछ में ऐसा होता है कि फेज बाहर रहता है जिसने हेड टेल बनाने होते हैं अब हमने इन्फेक्शन प्रोसेस को डिस्कस किया है इसके रेप्लीकेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे रेप्लीकेशन प्रोसेस में जाहिर से है लाइटिक साइकिल और लाइजोजाइनिक साइकिल दोनों में रेप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है देखा कि ऐसा बैक्टीरिया फेज जो लाइटिक साइकिल को परफॉर्म करे इसे लाइटिक या वायरोलेंट फेज कहते हैं क्यों कहते हैं लाइटिक का मतलब पहले इसे लाइसिस से है लाइसिस का मतलब है किसी चीज को तोड़ना बिकॉज इट इमीजिएटली काज द लाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ इट्स होस्ट सेल आफ्टर इट्स ऑन मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा ये आपके होस्ट सेल की क्या होता है ये ब्रेक डाउन करवा देता है इट डिवेल्प्स अ मास्टर स्लेव रोडेशन रिलेशनशिप विद होस्ट सेल यानी ये आपके आपके साथ जो होता है वो एक हाकमाना और गलामाना रिलेशनशिप रखता है यानी आप वो आपका मास्टर बन जाता है और आपको उसके स्लेव बन जाते हैं बिकॉज द होस्ट जिनोमिक डी एन ए इज इमीजिएटली ब्रेकन डाउन बाय द वायरली इनकोटेड डी एन ए होस्ट का डी एन ए जो होता है वो एकदम से टूट जाता है वायरस के डी एन ए से यानी वायरस का डी एन ए एकदम से होस्ट के डी एन ए को तोड़ देता है सिंस द वायरल डी एन ए इज ऑलरेडीडीडीडीडीडीडर गोन द सेटेंड केमिकल मॉडिफिकेशन देर फॉर सच इन्जाइम्स डो नॉट इफेक्ट इट जो वायरस डी एन ए वायरस वाला डी एन ए वो ऑलरेडी उसमें इतनी तब्दीली आ चुकी है कि ये जो इंजाइम्स होते हैं डी एन ए डाइजेस्टिंग इन्जाइम्स इसको इफेक्ट नहीं करते हैं आगे लिखा था डिस इंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डी एन ए इबल इज़ अ वायरल डी एन ए टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ होल मेटाबोलिक मशीनरी जब जाहिर सी बात है वायरस के डी एन ए ने आपके होस्ट वाला डी एन ए जो वो तोड़ दिया है तो आपके होस्ट वाले डी एन ए को तोड़ के उसने पूरी मेटाबोलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी मेटाबोलिक जो वायरस का डी एन ए है या वायरस का न्यूक्लिक एसिड है उसने पूरी मेटाबोलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले चुका है वो आपके डिस इंटीग्रेशन करने के बाद डीएनए को तोड़ने के बाद और कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं सिंथेसाइज ऑफ द प्रोफेज कंपोनेंट्स प्रोफेज कंपोनेंट्स को बनाता है असेंबली होती है मिच्योरेशन होती है देन आपके पास लाइसिस एंड रिलीज होता है इंटीग्रेशन होने के बाद होस्ट uh, का डीएनए जो ही टूटता है उसके बाद क्या होता है कि स्पेसिफिक मैसेंजर आर और प्रोटीन्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जैसे कि हेड टेल दैट फेज एज कम्प्राइज ऑफेज प्रोटीन्स द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल आर सेपरेटली सिंथिसाइज्ड एक तो आपके पास जो थे स्पेसिफिक मैसेंजर आर एन ए और प्रोटीस तो प्रोड्यूस तो तो होते हैं लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जिन्होंने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जिनके पास वो इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं कि बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के काम आते हैं इस तरह के प्रोटीन्स भी जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं यहां से सोन आफ्टर द डिसिडिग्रेशन से लेके यहां सिंथेसाइज तक आपके पास जो स्टेप है इसको हम प्रोफेज सिंथसाइज ऑफ प्रोफेज कंपोनेंट्स कहते हैं नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड से हमारे पास यहाँ पे असेंबली वाला स्टेप स्टार्ट होता है जिसमें लिखा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है इज़ देन पैकेड इंड साइड द हेड एंड टेल इज एडिड टू तो द हेड अब जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वो प्रो, प्रोटीन आपके पास जो होता है न्यूक्लिक एसिड हेड के अंदर डाल दिया जाता है वहां पे पैक हो जाता है और देन टेल हेड के साथ जोड़ दी जाती है ठीक है नेक्स्ट स्टेप जहां से आपके पास लिखा हुआ है असेंबली ऑफ़ फेज कम्पोनेंस यहाँ से मिच्योरेशन वाला स्टेप स्टार्ट हो रहा है असेंबली ऑफ द फेज कम्पोनेंस इन टू द मच्योर इन्फेक्टिव पार्टिकल इज ना एज से मच्योरेशन यानी जो फेज कम्पोनेंट जो होते हैं वो जब मिच्योर हो जाते हैं तो हम उन्हें मच्योरेन कहते हैं बीस से पच्चीस मिनट के अंदर अंदर जो होता है वो आपका बैक्टीरिया फेज होता है दो सौ फेज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर चुका होता है बीस से पच्चीस से पच्चीस मिनट के अंदर जो है आपका वायरस जो होता है टू हंड्रेड फेज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर चुका होता है दे लिखा इन लाइसिस इन रिलीज लाइसिस और रिलीज स्टेप जो आपके पास लास्ट स्टेप है इसमें लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया बिगेन टू लाइस बैक्टीरिया टूटना शुरू जाता है या बैक्टीरिया बर्स्ट होना शुरू हो जाता है और क्यों बस्ट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू तो द एक्यूमुलेशन ऑफ द फेज लाइसिस प्रोटीन यानी फेज को बैक्टीरियो फोज को बैक्टीरियो फेज को तोड़ने वाले प्रोटीन्स जो होते हैं यहाँ पे एक्यूमलेट हो गए हैं यानी जमा हो गए हैं दैन लिखा है कि लाइज कौन कौन से बैक्टीरियो फेज को तोड़ने वाले प्रोटीन्स कौन कौन से हैं आपके पास एक तो लाइजोजोम है इंट्रा सेलोर फेज पार्टिकल्स होते हैं यानी उनके बारे में कहा जा रहा है बैक्टीरिया को तोड़ने वाले प्रोटीन्स लाइजोजोम है और इंट्रा फेस पार्टिकल्स हैं यहां पे हमारी एक साइकिल खत्म हो जाती है नेक्स्ट साइकिल के बारे में लिखा है कि रेप्लीकेशन ऑफ एक्टर फेज इन लाइजोजेनिक साइकिल ऐसा बैक्टीरियो फेज जो लाइजोजेक साइकिल को परफॉर्म करता है उसे लाइजोजेक या टेम्परेट फेज कहते हैं ये फेज या तो लाइटिक साइकिल के जरिए से मल्टीप्लाई करते हैं या तो इनएक्टिव स्टेट में एंटर हो जाते हैं डोरमेंट स्टेट का आपके पास मतलब होता है कि इनएक्टिव स्टेट में एंटर हो जाते हैं सच व फेज डिवेल्प द होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप ये आपके पास जो होते हैं वो होस्ट गेस्ट वाला रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं जाहिर सी बात है होस्ट आपको कुछ प्रोवाइड करता है तो गेस्ट का भी उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप ऐसा होता है के बिकॉज इन दिस केज द फेज एक्चुअली इंटीग्रेट इंटू द होस्ट, के के हो मतलब हो हो होस्ट के क्रोमोजोम के साथ ही प्रोड्यूस करता है ठीक है उसको हम प्रोफेज कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम लाइजोजेनिक कहते हैं और बैक्टीरिया हार्बोडिंग प्रोफेज यहां पर बैक्टीरिया यूज होता है उसे लाइजोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं यहाँ पे लिखा है कि लाइजोजेनिक स्टेट ऑफ द बैक्टीरिया कैन भी टर्मिनेटेड एनी टाइम व्हेन इट इज एक्सपोज्ड तो टू हार्मफुल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन जब तो लाइजोजेनिक बैक्टीरिया किसी भी एडवर्स कंडीशन से उसका सामना होता है तो ये लाइजोजेनिक स्टेट जो होती है उसका खत्म भी हो सकती है इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं ठीक है

तो दोबारा से बैक्टीरिया को दोबारा स्टार्ट हो जाती है इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगली वीडियो तक तो मुझे इजाजत दीजिएगा